श्री गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कवि हृदयस्थ विहारिणी वीणक हंसारूढ़ वरदे बहु वरदायिनी माई मैं सेवक अतिमो नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदीन सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है सदगुरु आप अलेख सदगुरु रमता राम है या मैं मीन नमे पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो करतार ग्रीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार साधु माई बाप है साधु भाई बंद साधु मिला में राम से कट है जम के फंद बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक चरण कमल के ध्यान से श्री ग्रीबदास संतोष सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री कल्कि भगवान की। दो मिनट रसना की पवित्रता एवं मन की एकाग्रता के लिए परमपिता परमात्मा के नाम का संकीर्तन सभी बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गो हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय सद्गुरु दीन दयाल हरे जय सद्गुरु दीन दयाल हरे हे जय सद्गुरु दीन दयाल हरे जय सद्गुरु दीन दयाल हरे हे मेरे मन मंदिर में आ जाओ मेरे मन मंदिर में आ जाओ हो मेरे मन मंदिर में आ जाओ मेरे मन मंदिर में आ जाओ हो मेरी जीवन ज्योति जगा जाओ मेरी जीवन ज्योति जगा जाओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय सद्गुरु दीन दयाल हरे जय सद्गुरु दीन दयाल हरे तुम दीनों के हितकारी हो 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 प्रभु मैं भी शरण तुम्हारी हो प्रभु मैं भी
गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय सदगुरु दीन दयाल हरे जय सदगुरु दीन दयाल हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे गोपाल हरे जय सदगुरु दीन दयाल हरे जय सदगुरु दीन दयाल हरे मेरे तुम प्राण आधारे हो मेरे तुम प्राण आधारे हो मेरे तुम प्राण आधार प्राण आधारे हो मेरे नयनन के तारे हो मेरे नयनन के तारे हो गोविंद हो गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय सदगुरु दीन दयाल हरे जय सदगुरु दीन दयाल हरे बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय श्री कल्कि भगवान की जय परम श्रद्धेय परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय प्रातिस्मरणीय अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत आधार कण कण में व्याप्त मेरे सतगुरु महाराज परम श्रद्धेय परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय बहुत ही सत्कार के योग इस कार्यक्रम के कर्णधार सूत्रधार श्री कल्कि पीठाधीश्वर सर्व वैभव भूषण सर्व गुण संपन्न आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज यहां पर मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय सर्व संत समाज नारायण स्वरूप में विराजमान भक्तगण साक्षात शक्ति स्वरूप माताएं बहने बहुत ही सुंदर आयोजन भक्ति भाव पूर्ण आयोजन आचार्य श्री जी के माध्यम से हम देख रहे हैं। इस परम पवित्र परम पावन भारत देश के मध्य परम पवित्र परम पावन स्थल संभल धाम के अंदर आप हम सब यहां पहुंचे हैं। ये हम सब के ऊपर उस परमपिता परमात्मा की जो जगत का आधार है जो जगत का नियंता है उसकी कृपा से यहां पर उपस्थित हुए ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है नहीं तो आप देखते हैं और इस ऐसे आयोजन में संतों के सम्मेलन में कोई भाग्यशाली ही पहुंचता है नहीं तो आप देखते हैं शाम के समय में कितनी अपार भीड़ होती है वो संतों के लिए नहीं होती वो आध्यात्म के लिए नहीं होती ये तो संतों के लिए उन्हीं की भीड़ होती है जिनके ऊपर कल्कि भगवान कृपा करते हैं
दुनिया में तरह तरह के रंग आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इस आयोजन में तो आचार्य श्री जी महाराज जो कई तरह के रंग आप लोगों के सामने पेश करते हैं। यहां धर्म सत्ता तो होती ही होती है, जो मैन है, यहां राजनीति सत्ता भी होती है, यहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। ये किस लिए होते हैं, ये ऐसा किस लिए किया जाता है, ये आचार्य जी अपने लिए नहीं करते, ये आचार्य जी हम लोगों को जोड़ने के लिए, हम लोगों को एकता बनाने के लिए ये आयोजन करते हैं, और यहां पर जोड़ने के लिए ये कार्य करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में तोड़ने वाले बहुत हैं, आपने देखा होगा गली गली में, घर घर में तोड़ने वाले हैं, और उन्हीं बातों में प्रसन्न रहते हैं ना। तोड़ने वाले कौन होते हैं, जो चुगली चांटी करने वाले होते हैं, चुगलियां करने वाले होते हैं। जोड़ने वाला कोई कोई होता है, हजारों में लाखों में कोई एक होता है, और वो इस क्षेत्र में, मुझे पूरे क्षेत्र में एक आचार्य श्री जी दिखाई देते हैं। बोलिए श्री आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज की। तो नहीं तो आज इस कलियुग में चारों तरफ हम कोलाहल देख रहे हैं, चारों तरफ हम जो हैं हाहाकार मचा हुआ देख रहे हैं, कोई किसी दुख से करा रहा है, कोई किसी दुख से करा रहा है, सबके अंदर कोई ना कोई पीड़ा रहती है, सबके अंदर कोई ना कोई पीड़ा व्याप्ति रहती है। कारण क्या है कि हम जो हैं उस भगवान की शरण में नहीं है, परमात्मा की शरण में नहीं है, और जो परमात्मा की शरण में है उसको कोई पीड़ा नहीं व्याप्ती। ये शास्त्रों का कथन है, ये संतों का कथन है। ये क्यों कहा गया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हम भक्ति से विमुख होकर के दूसरे कार्यों में लग गए। और देखिए एक एक विचित्र बात है, जहां भक्ति की चर्चा होगी वहां पर निद्रा आएगी, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, या वहां से उठ करके चले जाएंगे, और जहां किसी की चुगली चाटी होगी तो सोते हुए भी उठ जाएंगे, और ये पूछेंगे दोबारा कहियो कहा कह रहो, दोबारा बताइयो कहा कही थे ना। ऐसी स्थिति है संसार की, इसीलिए चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है। हम भक्ति से विमुख हैं, मेरी माताओं बहनों बंधुओं और प्रिय संतों, सर्वप्रथम ये कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि उस कल्कि भगवान जिसका स्वरूप आपके सामने लगा हुआ है और जिसको यहां संभल की धरा पर आना है, उसका ध्यान लगाएं, उसको ध्यान, उसका ध्यान करके, उसका चित्र का चित्रांकन करके ध्यान से उससे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हे जगत नियंता, जगत आधार, हे दीनों के स्वामी, अब आप आ जाओ, इस धरा पर पाप बढ़ रहा है, और प्रार्थना करें। इस हृदय में जैसे आप कण कण में व्याप्त हैं, मेरे हृदय में कलुषता भरी हुई है, उस कलुषिता को दूर करने के लिए आप मेरे हृदय में भी वास करें। मेरे मन मंदिर में बसो कल्कि, मेरे मन मंदिर में बसो कल्कि, तस्वीर की तरह। जैसे इस तस्वीर में बसे हुए हो, इस तस्वीर में छपे हुए हो, ऐसे ही मेरे हृदय में बस जाइए। मेरे मन मंदिर में बसो कल्कि, तस्वीर की तरह। बड़े प्यार से रखूंगा मैं जागीर की तरह, जागीर की तरह। मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया,
मेरे मन मंदिर में बसो, मेरे मन मंदिर में बसो, कल की तस्वीर की तरह बड़े प्यार से रखूंगा मैं जागीर की तरह, जागीर की तरह मेरी अटकी नैया करो पार की भैया, हो मेरी अटकी नैया करो पार की नैया। हर नाम गरीब निवाज वेद में पाया आपका, नाम गरीब निवाज वेद में पाया आपका, अरे कर दो मुझको माफ मेरे सरबोझा पाप का, हो कर दो मुझको माफ मेरे सरबोझा पाप का, मेरे दिल का दाग साफ करो, मेरे दिल का दाग साफ करो, गंगा नीर की तरह बड़े प्यार से रखूंगा मैं जागीर की तरह, जागीर की तरह मेरी अटकी नैया कर पार के भैया, हो मेरी अटकी नैया, मीठी मीठी तालियां बजाइए, कर पार कन्हैया मेरे मन मंदिर में बसो, सदगुरु तस्वीर की तालियां बजाकर बड़े प्यार से रखूंगा मैं जागीर की तरह, जागीर की तरह। अरे आनंद कोश निर्लेप अजर तुम्हें कण कण का पता। देखिए ये जगत के जितने कार्य हैं, जगत के जितने उद्योग हैं, जगत का जितना भी ये बखेड़ा है, इसमें क्षण भर का सुख है, क्षण मात्र का सुख है, परम सुख परम पिता परमात्मा की शरण में है। उसकी शरण के बिना कहीं हमको सुख नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसको कहा है आनंद कोश निर्लेप अजर तुम कण कण का पता, आनंद कोश निर्लेप अजर तुम कण कण का पता, और तुम बिन और न बख्शे कोई मेरे जीवन की खता, हो तुम बिन और न बख्शे कोई मेरे जीवन की खता, मेरे पापों की लंबी कथा, मेरे पापों की लंबी कथा, द्रौपदी चीर की तरह बड़े प्यार से रखूंगा मैं जागीर की तरह, जागीर की तरह मेरी अटकी नैया करो पार की भैया, हो मेरी अटकी नैया करो पार की भैया। इस तरह की प्रार्थना, इस तरह की स्तुति जब हम परमात्मा के शरण में परमात्मा के ध्यान में लह करके करेंगे तो अवश्य ही कबहुत दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हमें शास्त्रों ने एक आदेश किया है, शास्त्रों ने एक संकेत दिया है, क्या श्वास श्वास पर हर भजो, श्वास ना विरथा खोए, नहीं जाने इस श्वास का आना होए ना, टूटा हुआ गिरास भी तू खाएगा के ना, कोई भरोसा नहीं है, नहीं दमदा भरोसा यार, दम आवे ना आवे कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें हर पल हर क्षण जो शास्त्र संकेत कर रहे हैं, कभी मत भूल सदगुरु को, कभी मत भूल सदगुरु को, जमाना खाक सारी है, ध्यान दर हर घड़ी उसका, जिसकी तू फुलवारी है, जिसकी तू फुलवारी है, हर वक्त हर पल उसका ध्यान होना चाहिए। मेरी माताओं बहनों बंधुओं प्रिय संतों, हम लोगों की एक विचित्र बात है, हम लोग इतने अभागे हैं कि हम परमात्मा से तो प्रार्थना करते नहीं, और जगत का कोई सुख हो उसके लिए उद्योग करते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, और फिर बाद में हाथ मलते हैं, पछताते हैं। पहली बात तो मिलते नहीं, और मिल जाते हैं तो फिर देखो कितना बड़ा बखेड़ा होता है। इसलिए एक छोटी सी बात मेरी याद आती है, एक छोटी सी बात याद आती है
कहते हैं कि एक गीदड़ था, गीदड़, गीदड़ जानते हो, यहां बहुत होते होंगे, है सियार, सियार, एक सियार था, जंगल में रहता था, उसके इर्द गिर्द कई कोसों तक कोई शेर नहीं था। अब सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर वो ही जानवर हो गया। अब शेर के सामने तो सियार कुछ भी नहीं है, वहां इर्द गिर्द शेर नहीं था। बहुत मजेदार बात है, सुनने लायक बात है और ध्यान देने लायक बात है। अब सियार महाराज वहां रहने लगे, और जब किसी का भय नहीं होता तो जीव चौड़ा हो जाता है, कंधे देखने शुरू कर देता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। कोई ज्यादा सुंदर हो, कोई ज्यादा बलशाली हो, तो भी ये सोचता है कि तेरे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है संसार में, और जो बलवान होता है वो ये सोचता है तेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है। अब सियार ने सोचा कि यहां का तो तू राजा है, और एक दिन मन में विचार किया कि ये छोटे मोटे जीव जंतुओं को मार मार करके मैं खाता हूं, इनसे गुजारा होने वाला नहीं है, ये तो रोज का शिकार है। कोई ऐसा मन में सोचा, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा किया जाए कि कोई नया शिकार किया जाए। ऐसा सोच करके सियार ने जंगल में घूमने का फैसला किया। तो सियार जो है शिकार की तलाश में निकल पड़ा। कहते हैं, बिल छोड़ सियार शिकार निमित्त, बिल छोड़ सियार शिकार निमित्त, वो कुंज ते कुंज फिरे वन में, वो कुंज ते कुंज फिरे वन में, तब देखो वहां मधुमाखी बिना लटके मधु छात करी लन में, सूंघु वे नाक तने के छुयो अति मिष्ट सुपाच चरो क्षण में, एही के अतिरिक्त न खाऊं कछु कल्याण यो सोच लई मन में, एही के अतिरिक्त न खाऊं कछु कल्याण यो सोच लई मन में। सियार महाराज वहां से चले और कुंज से कुंज, इधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहे। सारा दिन कोई से नया शिकार नहीं मिला। अब संकल्प था कि नया शिकार खाऊंगा, तो उन्होंने देखा एक मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ है। भैया सत्या जी, दो मिनट शांति से बैठ करके सुन लीजिए। मधुमक्खी का छत्ता देखा और उसके पास में गए कि यह तो कोई नई चीज है, और वहां जैसे गए तो शहद की खुशबू आई, शहद की खुशबू आई, देखा बहुत बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, जीव जैसे चलाई लगाई तो मीठा लगा, और मीठा लगते ही चटपट कर गए, बड़ी जल्दी चटपट कर गए, और मन में यह संकल्प कर लिया, वाह ऐसा बढ़िया शिकार तो आज तक कभी जीवन में किया नहीं, पर आज के बाद इसके सिवा और कुछ शिकार करूंगा भी नहीं। ये मन में संकल्प करके सियार घर पर आ गया। घर आकर के सियारनी से बोला कि आज तो मैंने बहुत सुंदर, आज बहुत सुंदर शिकार किया है, बहुत अच्छा शिकार किया है और बहुत अच्छा भोजन प्राप्त किया है। कहने लगी कि किया होगा, मुझे क्या पता, मेरे लिए लाते तो पता चलता। अब सियार बोला सियारनी से कि कल तेरे लिए जरूर लेकर गया हूंगा, चिंता मत कर, मन माड़ा मत कर, मन छोटा मत कर, तेरे लिए भी कल लेके आऊंगा, अब मैं वही भोजन किया करूंगा। तो कहा ठीक है। अब अगले दिन फिर सियार जी तैयार हो गए, सुबह सुबह जल्दी नहाया धोया, तिलक लगाया बाबा जियों की तरह, और निकट पड़े झोली उठा करके। तो कहते हैं कि शहद के लोभ सियार फिरे, शहद के लोभ सियार फिरे, एक बर्र की भीड़ निहार लियो, सट पहुंच गयो अविलंब वहां, तब सूंघ वे नाक तने कुछ छुयो,
कुल बर की फौज चिकार उठी सब एक ही बार प्रहार करो। कुल बर की फौज चिकार उठी सब एक ही बार प्रहार कियो। कल्याण कल्याण वो झुंड में जाए दूर्यो वहां बिच्छू ने डंक लीलार दियो। ऐसा हुआ कि जैसे ही अगले दिन गया तो वैसा ही छत्ता, जैसा मधुमक्खी का था वैसा ही छत्ता ततैयों का दिखाई दे गया बिल्कुल। और जब मद अंध होता है, जब ये जीव मद अंध होता है तो उसको भान नहीं रहता ये क्या है क्या नहीं है, उसको नकली भी असली दिखाई देता है, सत्य भी असत्य भी सत्य दिखाई देता है। तो उसने मधु वो ततैया का छत्ता देखा और जाकर के उसने ना तो सूंघा ना खुशबू देखी, वह जाते ही मुंह मार दिया। और जैसे ही मुंह मारा तो मुंह मारते ही सारे जो ततैये थे सारे लिपट गए चारों तरफ से, चल बेटा आज पता लगेगा। अब सियार को बचने का कोई उपाय नहीं, वो भागता रहा 120 की स्पीड पे भागा। अब कहीं कोई छुपने के लिए जगह नहीं मिली, बचाव के लिए कुछ नहीं मिला, तो एक झुंड खड़ा हुआ था उस झुंड में जाकर के उल्टा पलटी करने लगा। वहां पर बिच्छू बैठा था, बिच्छू ने डंक मार दिया। और जैसे ही बिच्छू ने डंक मारा फिर तो 150 की स्पीड हो गई, भागने लगा, बहुत तेज भागने लगा। और भागता भागता घर में आया और कहा सियारनी से, अरे भगवान जल्दी दरवाजा बंद कर, जल्दी कर। सियारनी बोली, ओहो इतना स्वादिष्ट भोजन खा के आए, एक ही दिन में इतने तगड़े होकर के आए हो, लाल हो रहे हो आप तो, इतने मोटे हो रहे हो, अरे मेरा भोजन कहाँ है। कहने लगे कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू पहले गेट बंद कर तब बताऊंगा। सियारनी ने गेट बंद कर दिया। तो कहते हैं सियार बैठ जाता है, बैठ करके कहता है सुन सुन बात सियारी ने साच कहूं, सुन बात सियारी ने साच कहूं, अब अव्वल यार बचंत नहीं। मैं सच सच कहता हूं कि अब मैं बचूंगा नहीं। सुन बात सियारी ने साच कहूं, अब अव्वल यार बचंत नहीं, जो बचंत कदाचित बीसी बीसे बन कुंजन में भटकंत नहीं। है? कहते हैं अगर किसी तरह से बच गया तो कभी बन कुंजों में नहीं जाऊंगा। और कहते हैं अब कहके ही भांति बचा ले प्रिया, अब कहके ही भांति बचा ले प्रिया, लटकंत कदंत चुसंत नहीं। कल्याण में जीवत हूं जब लो, झरी झुंडन में रगडंत नहीं, झरी झुंडन में रगडंत नहीं। सियार बोला के सियारनी बात सुनो, पहली बात तो मैं बचता नहीं, और बच गया तो तौबा करता हूं कभी बन कुंजों में नहीं जाऊंगा, और चला भी गया तो कभी लटकने वाली चीज नहीं खाऊंगा। और खा भी ली कैसे तैसे, भूल में खाई भी जाए तो कभी झुंडों की शरण नहीं लूंगा। मेरी माताओं बहनों बंधुओं, यही स्थिति हम लोगों की है। हम संसार का कोई कार्य करते हैं उसमें आनंद आता है, पहले आनंद आता है, और फिर वो जो जिस कार्य में आनंद लेते हैं उसी में से वो दुख उत्पन्न होता है, चारों तरफ से घिर जाता है, आदमी घिर जाता है, भागता है, दौड़ता है, घर में आके घुसता है तो वहां पर परिवार बिच्छू की तरह बैठा हुआ है, वो डंक मारता है। फिर जो है ये जीव प्रार्थना करता है कि अब के किसी प्रकार बचा ले परमात्मा, आगे से मैं ऐसे झमेले में नहीं फंसूंगा, इस संसार का सहारा कभी नहीं लूंगा, इस संसार के रसों का रसास्वादन कभी नहीं करूंगा। इसलिए कहते हैं दुनिया के संग में हजारों रंग दिखते हैं, दुनिया के संग में हजारों रंग दिखते हैं, उनको ना देखिए तू आपको संभालिए। ये हरा अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, उनको ना देख करके हमें उस
चित्त को परमात्मा में स्थापित कर देना चाहिए। तो जो बात हम छोड़ करके आए थे वहीं से कहा, मेरी अटकी नैया करो पार कन्हैया, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया, मेरे मन मंदिर में बसो कल की तस्वीर की तरह, बड़े प्यार से रखूंगा मैं तस्वीर की तरह, तस्वीर की तरह, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया। अर तुम बिन और न कोई मैं आया आपकी पनाह, ओ तुम बिन और न कोई मैं आया आपकी पनाह, और समय किया बर्बाद तू पहले याद ना किया, हाँ समय किया बर्बाद तू पहले याद ना किया, मेरे दिल में गंगा बहा, मेरे दिल में गंगा बहा अर्जुन के तीर की तरह, बड़े प्यार से रखूंगा मैं जागीर की तरह, जागीर की तरह, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया। कल्याण मूढ़ सेवक बिन साधन जानते विथा, कल्याण मूढ़ सेवक बिन साधन जानते विथा, अरे अपराधों से धधक रही चित चिंता की चिता, ओ अपराधों से धधक रही चित चिंता की चिता, मेरी कविता अर्पण तुमको, मेरी कविता अर्पण तुमको साहेब कबीर की तरह, बड़े प्यार से रखूंगा मैं जागीर की तरह, जागीर की तरह, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया, मेरी अटकी नैया करो पार खिवैया। इसलिए हमको उसकी शरण की जरूरत है। मेरी माताओं बहनों बंधुओं, हम लोग संसार की शरण लेते हैं इसलिए जीवन में कराह है, कराहट है, संसार के सुखों की तरफ भाग रहे हैं इसलिए संजीवन में दुख है। और वास्तव वास्तविकता ये है, शास्त्र कहता है कि जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे, जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे, जो डूब रहे हैं साहिल में वो हमको किनारा क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी रो रही थी, बिलाप कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कभी भीष्म से कहती है दादा मेरी लाज बचाओ, कभी धृतराष्ट्र से कहती है, कभी गुरु द्रोण से कहती है मुझे बचाओ, हे गुरुवर आज मुझ मेरी लाज जा रही है, और आप चुपचाप बैठे हुए हो, आप चुपचाप बैठे हुए हो, अपने पांचों पतियों से गुहार लगाती है, किसी की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो खुद सहारे के ऊपर टिके हुए हैं इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती। बाद में तब हरि का नाम याद आया, गोविंद हरे गोपाल, गोविंद हरे गोपाल। जब बाद में कन्हैया का नाम याद आया तो कन्हैया आए और चीर खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा, नितबुन कपड़ा देते भाई, जाके नौलख वालद आई, दुशासन हार गया थक गया, पर घट्यो न अंगुल चार,
दीन द्रौपदी विनय पुकारत, भरा सभी दरबार, सारा दरबार भरा हुआ था, सब से गुहार लगाती है पर नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ओ राही संभल, इसलिए कहता हूं कि ओ राही संभल, बर्बाद हुई तेरी ये सपनों की दुनिया, ओ राही संभल, बर्बाद हुई तेरी ये सपनों की दुनिया, जिस तरफ बह जाता है तू उस तरफ किनारा कोई नहीं, इस तरफ किनारा कोई नहीं, कांटों के सिवा इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं, है दोस्त हमारा कोई नहीं। दोस्त है तो बस एक है, बिन स्वार्थ का तेरा हिमाती दया सिंधु भगवान, बिना स्वार्थ का। ये संसारी तो संसार के जो संबंध हैं, संसार के जो जीने जितने भी नाते हैं वो सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, और बिना स्वार्थ के तो एक परमात्मा से ही संबंध है, और जिसका उससे संबंध हो जाए उसको जीवन आनंद ही आनंद में डूब जाए। उनका क्या कर ले संसार, जिनके राम साहूकार, जिनका राम से व्यवहार, उनके राम बचावनहार। बहुत प्रमाण आते हैं, बहुत ऐसी स्थितियां आती हैं आपके सामने, आप भागवत कथाएं भी सुनते हैं, आप राम कथाएं भी सुनते हैं, और भी संतों के प्रवचन सुनते हैं, सबका एक ही सार मिलता है कि परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की शरण हो जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, नहीं तो हर बार हर संत यही कहता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम श्रद्धा विश्वास प्रेम रूपी दीपक इस हृदय में जला करके और परमात्मा को समर्पित हो जाए। वैसे समर्पित तो हम होते हैं, समर्पित तो हम पूरी तरह रोजाना करते हैं, आरती करते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा है, और मैं भी हूं तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। पर समर्पित होते हैं क्या? बस फटाफट करी, घंटी बजाई, जय हो जय हो जय हो जय हो। हम लोग हैं संत महापुरुष हैं, वो अपने उसमें लग जाते हैं, अब सेवक आएंगे बैठ गए गद्दी पर। आप लोग हैं कि वो जैसे तैसे वो की और जा करके फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं, जिनको चुगली करनी है वो चुगलियों में जाते हैं। बहुत बहुत से लोग होते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं हमारे गांवों में, मैं भी मेरा भी स्थान जो है गांव के अंदर है, मैं जानता हूं गांव का कल्चर कैसा है। शहर में थोड़ा सा फर्क क्या है कि शहर में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, गांव में सबका सबसे मतलब होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि किसी की रोटी हजम ही नहीं होती कि जब तक जा करके एक दूसरे की बता नहीं लेते, और किसी को तो भूख ही नहीं लगती, किसी को तो भूख ही नहीं लगती कि जब तक वो बता ही ना जाए, गैस की गोली ना ले जाए, तब तक भूख नहीं लगती। ऐसी स्थिति है संसार की। अरे ओ राही संभल, बर्बाद हुई तेरी ये सपनों की दुनिया, जिस तरफ बह जाता है तू उस तरफ किनारा कोई नहीं, उधर की तरफ से हट और लग जा प्रभु की शरण। इसलिए कल की शरण हो और कल की भगवान की प्रार्थना करो, उसकी प्रार्थना करो, कृष्ण मुरली फिर बजा जा भारत देश हमारे में, कृष्ण मुरली फिर बजा जा भारत देश हमारे में। अब जरूरत है, अब आप आइए, जिस तरह से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से आचार्य श्री यहां पर डंके की चोट से कहते कि कल्कि को आना पड़ेगा, आएंगे, आओ जल्दी आओ, उसी प्रकार से जब एक एक आवाज उनकी आवाज से मिल जाएगी तो कल्कि भगवान आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, जरूर आएंगे। देखिए जितने भी अवतार आए हैं, कृष्ण अवतार हुआ, जहां तहां पूरे संसार के संत वृंदावन की भूमि पे जाकर के भजन करने लगे, वहां की जो जनता थी वो भी सब भजन करने लगी, वो भी सब स्वागत के लिए तैयार हो गई बहुत पहले से, और वो ही दृश्य आज यहां संभल में दिखाई दे रहा है। देश के, दुनिया के सभी संत यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, और आप लोगों का भी जो भाव है, जो प्रेम है, वो मैं देख रहा हूं। मुझको विश्वास है कि अब कल की आने में देर नहीं है। मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं,
वो तो आएंगे ही, लेकिन हम वो तब आएंगे जब हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होगा श्रद्धा विश्वास प्रेम रूपी दीपक हृदय में जलाएं। जिस हृदय में जन्म जन्मांतर का अंधकार भरा हुआ है, कूड़ा करकट भरा हुआ है, वह कूड़ा करकट तभी दूर होगा जिस तरह से हम, आप लोग जानते हैं, पहले अब तो ये लाइट आ गई, अब तो बिजली आ गई, बटन दबाते हैं उजाला हो जाता है। पहले घर का अंधकार दूर करने के लिए, रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए दीपक जलाते थे, और दीपक भी होता था मिट्टी का, उसमें सरसों का तेल बत्ती लगा करके दीवा लगाते थे, और उसको समझदारी देखिए, उसको ऐसी जगह रखते थे, देहली के बीच में रखते थे, जो देहली होती थी उसके बीच में रखते थे कि अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला रहे, ऐसा ही होता था ना, ऐसे ही रखते थे शायद। इसी प्रकार से, इसी तरह से हमको भी चाहिए कि हम अपने हृदय रूपी देहली के ऊपर वो श्रद्धा विश्वास प्रेम रूपी दीपक जला करके रखें, तो मेरे माताओं बहनों बंधुओं, वास्तव में मेरा विश्वास है कि यहां भी वाह वाह होगी और वहां भी वाह वाह होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये जीवन सहज ही इस भवसागर से पार हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा सा कल्कि में ध्यान लगा ले रे मेरे मनवा बेईमान। ये संकल्प लें, ये मैं आपको सतो सत सत्य बात बताता हूं कि जो भी हमारे अंदर दोष है, जो भी हमारे अंदर खटाई है, उसको इस सत्संग रूपी मिठाई से दूर कर दीजिए। अपने मन को समझाइए, अपने मन को कहिए कि उधर की तरफ मत जा, इधर की तरफ लग। और वास्तव में नाम की बहुत बड़ी महिमा है, शास्त्रों में संतों ने कहा है, बहुत संतों ने कहा है कि आचार्य गरीबदास जी कहते हैं कि नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर। और नानक देव जी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार सुखी, वही जो नाम आधार, जो नाम का आधार जीवन में लेता है, जो परमात्मा ने हमको दिया उसी में संतुष्ट हो करके, जो उसके मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख करहाट नहीं होती, ये सच्चाई है। इसलिए इस मन को समझाइए, जो मन दौड़ रहा है, जो भाग रहा है संसार के रसों के अंदर, उसको बुलाइए, वापस बुलाइए। अरे जिस तरफ बहा जाता है तू, उस तरफ किनारा कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा सा कल्कि में ध्यान लगा ले रे मेरे मनवा बेईमान, थोड़ा सा कल्कि में ध्यान लगा ले रे मेरे मनवा बेईमान, ओ मनवा बेईमान मान जा मनवा बेईमान, थोड़ा सा कल्कि में ध्यान लगा ले रे मेरे मनवा बेईमान, थोड़ा सा हिब में ध्यान बोलाओ, मैं कोई फारसी थोड़ी बोल रहा हूं, सभी बोलो, अरे मनवा बेईमान मान जा मनवा बेईमान, थोड़ा सा कल्कि में ध्यान लगा ले रे मेरे मनवा बेईमान, थोड़ा सा कल्कि में ध्यान लगा ले रे मेरे मन, अरे तुझसे कितने हुए भतेरे देव दनुज इंसान, तुझसे कितने हुए भतेरे देव दनुज इंसान, अर रहे न बाकी रहे न आगे, रहे न बाकी रहे न आगे, तज दे गर्व गुमान, थोड़ा सा सद मैं ध्यान लगा ले रे मेरे मनवा बे।